हेलो एवरीवन, मैं हूं मयंक गुप्ता और आज हम लोग देखने जा रहे हैं वैलिडेशन ऑफ फ़ोन नंबर यूजिंग जेक्वेरी। तो जब भी हम लोग कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाते हैं तो वहां पे वैलिडेशन ज़रूरी होता है, जैसे कि अगर वो फील्ड है हमारा फ़ोन नंबर का, तो जाहिर सी बात है अगर वो फ़ोन नंबर का फील्ड है तो इंडिया में फ़ोन नंबर क्या चलता है, लाइक 10 डिजिट्स, ठीक है। और 10 डिजिट्स प्लस फ़ोन नंबर में क्या होगा, हमेशा नंबर होगा, कोई भी टेक्स्ट नहीं होगा। तो हम लोग बेसिकली इसी चीज़ को अभी हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स है जिसमें कि मैंने लिखा है इंटर योर फ़ोन नंबर और एक बटन है क्लिक टू वैलिडेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये अभी वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ही यूज़र हमारा फ़ोन नंबर डालेगा तो उसके बाद हम लोग क्लिक टू वैलिडेट पर जैसे क्लिक करेंगे तो वो चेक कर लेगा कि भाई फ़ोन नंबर सही है कि नहीं, ठीक है। अगर वो सही है तो वो मैसेज करेगा करेक्ट, अगर वो गलत है तो वो मैसेज कर देगा एरर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग उसको अभी कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने स्क्रिप्ट जेक्वेरी को मैंने इंपोर्ट कर लिया है और मैंने एक इनिशियलाइजेशन भी कर दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक मैंने इनपुट बॉक्स बनाया है जिसका कि नाम है इनपुट फ़ोन बॉक्स, जिसका कि आईडी है फ़ोन बॉक्स। और यहाँ पे एक बटन है जिसका कि आईडी है वैलिडेट। आप यहाँ पर देख सकते हैं इंटर द फ़ोन नंबर, इसका आईडी हो गया फ़ोन बॉक्स और इसका आईडी जो है इस बटन का वो है वैलिडेट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक इनिशियलाइजेशन किया है जेक्वेरी का डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, यानी कि जब भी हमारा ये पेज जब ये लोड होगा तब उसके बाद ही ये फंक्शन हमारा काम करना शुरू करेगा। तो उसके बाद यहाँ पे चूंकि हमारा बटन का आईडी है वैलिडेट, तो मैं इसको वैलिडेट कर दे रहा हूँ, वैलिडेट लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ही वैलिडेट आईडी यानी कि ये इस बटन पर जब क्लिक होगा तब इसके अंदर का जो हमारा प्रोग्राम है वो यहाँ पर रन करेगा। तो हम क्या करना चाहते हैं कि हम लोग पहली बात, सबसे पहले हमें क्या करना होगा इस काम को, अगर हम लोग तोड़ें सबसे पहले काम क्या होगा हमारा कि जो इनपुट बॉक्स है, इनपुट बॉक्स से पहले वैल्यू लेना यहाँ पे किसी वेरिएबल में, यानी कि जेक्वेरी या जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल में हम लोग एक वेरिएबल मीन्स वो वैल्यू को स्टोर करना होगा वो इनपुट बॉक्स का। उसके बाद उसके ऊपर प्रोसेसिंग करना होगा, लाइक जैसे कि पहला क्या हमारा प्रोसेस होगा, जैसे कि क्या उसका लेंथ जो है वो 10 है। अगर ये पास हो गया तो फिर हम लोग अगला प्रोसेस क्या कर सकते हैं कि जो हमारा जो जो वैल्यू जो यूज़र इंटर किया क्या वो नंबर है या फिर स्ट्रिंग है, वो जो वैल्यू जो पास हुआ उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नंबर है या फिर उसमें स्ट्रिंग भी है। तो अभी हम लोग इस चीज़ को करेंगे। तो सबसे पहले हम इस ये इनपुट बॉक्स का वैल्यू ले रहे हैं, इसका आईडी क्या है फ़ोन बॉक्स। तो कैसे लेंगे, एक हम लोग वेरिएबल ले रहे हैं, ये जावास्क्रिप्ट वेरिएबल है। तो वेर इनपुट वैल, मैं एक वेरिएबल बनाया इनपुट वैल और इसके अंदर ये जो आईडी है यानी कि फ़ोन बॉक्स, तो हैश लेंगे फोन बॉक्स डॉट वैल। तो इससे क्या होगा कि जो फ़ोन बॉक्स का जो वैल्यू है वो हमारा इनपुट वैल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसके ऊपर प्रोसेस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रोसेस क्या होगा, इफ़ इनपुट वैल डॉट लेंथ इक्वल्स इक्वल्स 10। तो ये क्या कर रहा है कि हमारा चेक कर रहा है क्या इनपुट वैल का जो लेंथ है क्या वो 10 है, और अगर वो नहीं है तो एक उसका मैं else बना दे रहा हूँ। अभी हम लोग इसके ऊपर भी काम करेंगे, तो अभी मैं बस फ़िलहाल else लिख दे रहा हूँ। इसके ऊपर कंप्लीट करने के बाद हम लोग इसका कुछ मैसेज डालेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग इसको चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक div बना दे रहा जिसमें कि हमें हमारा मैसेज दिखेगा कि क्या है, मीन्स हमारा जो डेटा है वो करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। तो div id मैं इसका एक रिज़ल्ट दे दे रहा हूँ, id का नाम मैं दे दे रहा हूँ रिज़ल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि जैसे ही हमारा इस बटन पे क्लिक हुआ तो इसका जो जो वैलिडेट बटन है इस पर क्लिक हुआ तो जो फ़ोन बॉक्स जो था, जो इनपुट बॉक्स था, उसका प्रोसेस होके डेटा प्रोसेस होके हमारा जो आउटपुट है वो हमारा फ़ोन नंबर जो है वो करेक्ट है कि नहीं वो हमारा रिज़ल्ट आईडी में शो करेगा। तो चलिए अभी यहाँ पे एक बार पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, बस ये इनपुट बॉक्स और ये लेबल और ये बटन। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो अब हमको क्या करना है कि सबसे पहले ये जो रिज़ल्ट है इसमें हम लोग एक पहले मैसेज सेट करना है, ठीक है। तो डॉलर हैश बिकॉज इसका आईडी है तो रिज़ल्ट हैश रिज़ल्ट डॉट html। और html में क्या होगा कि हमारा कुछ मैसेज जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ मैसेज डाल देता हूँ कि स्पैन, इसका चूंकि ये
सक्सेस मैसेज है बिकॉज इसका लेंथ 10 है, तो स्पैन अच्छा छोड़ो, मैं यहाँ पे एक मैसेज डाल दे रहा हूँ करेक्ट, ठीक है। और उसके बाद जो एल्स में भी कुछ मैसेज आएगा, तो अगर मान लीजिए अगर वो 10 नहीं हुआ तो एक एल्स में भी मैसेज आएगा, वो क्या जाएगा रिजल्ट डॉट एस टी एम एल नॉट ऑफ लेंथ 10, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, सबसे पहले जो फ़ोन बॉक्स जो हमारा इनपुट बॉक्स था उसका वैल्यू ले रहा है इनपुट वैल वेरिएबल में, ये इनपुट वैल का पहले लेंथ चेक कर रहा है क्या वो उसका लेंथ 10 है, अगर है तो वो जो रिजल्ट जो आईडी जो हम लोग बनाए थे एक डिव बनाए थे तो उसमें एक मैसेज जाएगा कि करेक्ट, अगर वो 10 नहीं होगा तो दूसरा मैसेज टेक्स्ट जाएगा वो क्या जाएगा नॉट ऑफ लेंथ 10। तो चलिए पहले इसको चेक करते हैं क्या ये वर्क कर रहा है, तो इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं। तो अब है इंटर योर फ़ोन नंबर, तो हम लोग डालें कुछ भी टेक्स्ट, क्लिक टू वैलिडेट नॉट ऑफ 10 लेंथ 10, आप देख सकते हैं क्योंकि ये अभी 5 डिजिट का ही है, अभी कुछ भी डाल दें और आगे डाल दें 5 डिजिट और डाल देते हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पूरे 10 डिजिट डाले, ये करेक्ट बता दिया, हमारा जो आंसर दिया यहाँ पे जो आउटपुट आया वो करेक्ट आया। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम लोग 7 को हटा के अगर हम लोग ए कर दिए तब भी हमारा आउटपुट करेक्ट आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो चेक नहीं कर रहा है कि भाई, यहाँ पे बस वो लेंथ चेक कर रहा था, वो ये चेक नहीं कर रहा है भाई वो फॉर्मेट क्या है, क्या वो नंबर है, क्या वो स्ट्रिंग है, वो यहाँ पे हम लोग चेक नहीं किए। तो अब क्या होगा कि अब हम लोग यहाँ पे चलिए एक और इफ़ लगाते हैं, हम लोग इसके अंदर में एक और इफ़ लगाते हैं, ठीक है। तो इफ़ इज एन ए एन, एन ए एन मीन्स इज एन ए एन मीन्स नॉट अ नंबर, ठीक है। तो इज नॉट अ नंबर अगर ये हुआ तो क्या होगा इनपुट वैल, इसके अंदर हम लोग वो वेरिएबल को पास कर देंगे और नहीं तो फिर एल्स। तो यहाँ पे अब इस चीज़ को समझना होगा, इज नॉट अ नंबर, ठीक है। तो नॉट अ नंबर मीन्स कि वो नंबर नहीं है, वो स्ट्रिंग है, वो कोई दूसरा कैरेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर वो नंबर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे कि कुछ मैसेज डालेंगे, अब फिर से डिव में डॉलर हैश रिजल्ट डॉट html सॉरी, और इसके अंदर का मैसेज नॉट अ नॉट नंबर, ठीक है। और अगर ये सही हुआ तो इस मैसेज को हम लोग यहाँ कट करके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब किस्सा क्या हो रहा है, तो चलिए शुरू से देखते हैं, जो वैल्यू था उसको हम लोग इनपुट वैल में स्टोर किए। तो सबसे पहले इनपुट वैल का लेंथ चेक हुआ, क्या वो 10 है, अगर वो 10 है तो इस कंडीशन में घुसेगा इफ़ कंडीशन में, नहीं तो फिर वो मैसेज एक पास कर देगा नॉट ऑफ लेंथ 10, ठीक है। उसके बाद ये जब इसके इन गया तो फिर ये कंडीशन चेक करेगा, इस इनपुट वैल जो है क्या वो नॉट अ नंबर है, मीन्स वो नंबर नहीं है, तो अगर नंबर नहीं है तो मैसेज फिर से जाएगा रिजल्ट जो था हमारा आईडी उसमें क्या जाएगा नॉट नंबर, और अगर वो फॉल्स है तो हमारा जो रिजल्ट में क्या मैसेज जाएगा करेक्ट। तो चलिए इसको हम लोग सेव करके अब रन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ भी रैंडम डिजिट डाल के देखते हैं, लाइक यहाँ पे 7 डिजिट्स है, चलिए क्लिक टू वैलिडेट नॉट ऑफ लेंथ 10, ठीक है। और सपोज अभी यहाँ पे हम लोग लेंथ 10 कर दिए ए बी सी, क्योंकि यहाँ पे 7 था पहले से, 7 डिजिट्स था और ये 3 यानी कि 10, तो चलिए क्लिक ऑन वैलिडेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या हुआ नॉट नंबर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको हटाते हैं, अब हम लोग सारा का सारा इसको नंबर रखते हैं 654। तो अब देख सकते हैं ये नंबर भी है और ये 10 डिजिट्स का भी है, लाइक देखिए 3 3 3 1 10। नाउ अगर हम लोग वैलिडेट पे क्लिक किए तो करेक्ट। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम जो यहाँ पे फ़ोन नंबर जो वैलिडेट करें, आप देख सकते हैं हम लोग कितने छोटे से कोड में हम लोग ने इसका काम कर लिया, काफ़ी सिंपल था ये कोड। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है इस वीडियो में तो हमें कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करें, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो पर लाइक करें, कॉमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।